सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। और जो रास्ता लोगों ने अपनाया है ना, उसका अंजाम देख रहे हैं आप? उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ठीक कह रही हो, जो रास्ता उन्होंने अपनाया वो गलत था, लेकिन मैं कसम खाता हूँ हम दोनों कोई ऐसी हरकत। हम दोनों? हारून जी, आपने तो सोच भी कैसे लिया? एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी होगा ना, वो मेरे अम्मा और अब्बा की मर्जी से होगा, और मैं कभी कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी जिससे मेरे अब्बा की इज्जत पे आंच आए। और आज के बाद मुझसे ऐसी कोई बात करने की कोशिश भी मत करना। और अब जाए यहाँ से, इससे पहले कि अम्मा और फूफा आपको देखें और यहाँ पे कोई नया तमाशा बने। रानू, मैं तो बस तुम्हें ये बताने आया था कि अगर हनी और मोन की कोई खबर आती है तो मैं तुम्हें दे सकूं, क्योंकि इस घर में सिर्फ एक तुम ही हो जिसे मैं वो खबर दे सकता हूँ, बाकी सब तो सब खिलाफ हुए पड़े। अच्छा रुके, हनी की कोई खबर? नहीं, फिलहाल तो कोई खबर नहीं है क्योंकि मोन से कोई रब्ता हुआ नहीं। अगर हनी का कुछ पता लगे तो जरूर बताना, मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। अब आप जाएं यहां से। जुदा दे, चार चाय जल्दी लगा दे। मुझे, ओ भाई, मुझे, कौन मुझे बचा लो, कौन हो ये मुझे मार? अच्छा, दूर तो हटो, क्या हो गया? मुझे इनसे बचा लो। अरे किससे बचा लूं, कौन है भाई, क्या हो गया? ये मुझे मार डालेंगे। कौन है तुम लोग, क्या मसला है? ओए लो भाई, तेरा मसला नहीं है, तू साइड पे हो, चल। तो इसको क्यों तंग कर रहा है लड़की को? ओ भाई, तेरा मसला नहीं है, बहन हमारी। वो बहन है? इधर आज मिला। वो तो बहन है इनकी, जान है उनके साथ, तो ख्याल से रखना बहन है तो। झूठ बोल रहे हैं, मैं इनको नहीं। वो तो कह रही है, झूठ बोल रहे हैं। ओ भाई, घर से भाग रही है बार बार, पागल है ये, आराम से लेके जा, चल जाना तू उनके साथ, छोड़ मुझे। ओए क्या हो गया है? देखो तुम मेरे भाई, मैं यू ना, मुझे इनसे बचा लो, इन्हीं को मुझे 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 सुन मेरी बात, मुझे मारेगा, सुन मेरी बात। मोन, मैंने कह दिया ना, मैं भी तेरा भाई हूँ, तू बेफिक्र होके इनके साथ जा, ये तेरा ख्याल करेंगे। हाँ जा, लेके जा इसको, इसका ख्याल करना, रहम कर इसके ऊपर, बहन है तेरी। मोन, एमी खामखान, जा जा तू उनके साथ जा। चाचे, मेरा यहाँ पे वॉलेट और मोबाइल रखा था, वो यही रखा था, किसी को ले जाते देखा? गाड़ी चली गई, गाड़ी गाड़ी तो चली गई, अब क्या, अजीब लोग हैं। अरे मेरा बेटा, इधर मून कहाँ होगा? ट्रेन तो काफी आगे आ गई है, हो सकता है किसी पीछे डब्बे में हो, या हो सकता है दूसरी ट्रेन में आ रहा हो। लेकिन आंटी, वो लड़की थी ना, उसने मून को रोक लिया, वो मून के साथ थी, वो कौन होगी? लड़की? कौन लड़की? पता नहीं कौन थी, मून के गले लग गई जाके। कहीं उसकी कोई मंगेतर तो नहीं थी, कजन वजन तो नहीं थी? नहीं, मून ऐसा नहीं है, मून मुझे धोखा नहीं देगा।
तो मेरा बच्चा फिर तुम परेशान क्यों हो रही हो? फिकर ना करो, वो दूसरी ट्रेन से आ जाएगा और हो सकता है पिछले वाले डब्बों में चढ़ गया हो, ट्रेन चल पड़ी हो। परेशान नहीं होते मेरे बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारे अंकल भी है। मैं जानती हूँ तुम दोनों की मोहब्बत को, मून अच्छा है और तुम दोनों हक पे हो। मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, पर तेरे साथ मैं खड़ी हूँ। सच्ची पप्पू? देख भाई, बंदा तू अच्छा है, कपड़ों से अच्छे घराने का भी लग रहा है। तेरे को हमारी वजह से तकलीफ हुई है, बता तुझे जाना किधर है? कराची। तुझे आज ही कराची भेज देंगे, तू फिक्र ना कर। वो मेरी हनी, वो उसका क्या होगा? टेंशन ना ले, तेरी हनी भी मिल जाती है। तेरी हनी कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि हमारा भाई कराची में डोन है, वो तेरी हनी को ढूंढ लेगा। तूने टेंशन नहीं लेनी, हनी मिल जाएगी। ढूंढ लेगा वो, उसको कुछ होगा तो नहीं? वो मिल जाएगी ना मुझे? ढूंढ लेगा। तू ऐसा कर, तू हमारे साथ हमारे घर चल, तुझे खाना खिलाते हैं और रात की ट्रेन से तुझे कराची पहुंचा देंगे आज रात। ओए नहीं जाना मुझे कहीं भी, मुझे बस सीधा कराची जाना है, बस अपनी हनी के पास। ओए तुझे कराची पहुंचा देगा आज रात ही, कराची तू पहुंचा देगा। तू चल, तू हमारे साथ चल, चल हमारे घर चल, तुझे खाना छाना खिलाते हैं, रात को कराची पहुंचा देंगे। चल तू चल हमारे साथ चल, शाबाश शाबाश चल चल आ जा। अरे मेरा बेटा, काफी देर से ट्रेन रुकी हुई है और सारे लोग उतर गए। चलो हमारे साथ, वो आ जाएगा तुम्हें ढूंढते ढूंढते। तुम मेरे साथ चलो, मेरी बच्ची जैसी हो, मान लो मेरी बात। नहीं आंटी, मैं ना यहीं पे मून का इंतजार करूंगी ट्रेन में। हो सकता है मून मुझे ढूंढता ढूंढता यहाँ ट्रेन तक आ जाए, और अगर उसको मैं ना मिली तो मैं ट्रेन से नहीं उतरूंगी, मैं यहीं पे इंतजार करूंगी मून का। अरे मेरा बेटा, ये कराची का आखिरी स्टॉप है, ट्रेन जहाँ से आगे कहीं नहीं जाती। अगर उसने आना होता तो वो आ चुका होता। मुझे माफ शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं, मेरे पास सीधा जवाब है। मेरे पास सीधा जवाब है, तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं। मुझे माफ़ शाफ सिखा मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। हेलो हेलो रानू, हनी हनी कहाँ है तू, कैसी है तू, क्या हुआ रानू? तुझे पता है अब्बा हॉस्पिटल में है। सीमी सलोन्स का तो नाम ही काफी है, फिल्म हो या ड्रामा, बजट अच्छा होगा तो काम भी हो ही जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है, ओके बाय। अरे आपने फेशियल नहीं कराया आज? नहीं, वो आज जरा वक्त कम था ना, जल्दी में।
अरे भाई, जब तक खुद से नहीं करेंगी प्यार तो फिर इस मुरझाई हुई रंगत में शोहर का प्यार कैसे रहेगा बरकरार? तो फिर क्या करूं, कुछ बताए ना मुझे। रूबी, वो जर्मनी की जो हर्बल प्रोडक्ट आई है ना, वो इनको दो ना, रिंकल फ्री। उसपे जो आपके डार्क सर्कल्स हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। भाई देखें, अगर इतने डार्क सर्कल्स होंगे तो जब शोहर थका हारा ऑफिस से घर आएगा तो क्या खाक इनमें डूबना चाहेगा? क्यों? मुनी हो ना? हाँ, तो शोएब भाई ने मेरे को सब बता दिया है। जो जो स्टेशन में हुआ ना, सब पता। टेंशन नॉट, नहीं मिल जाएगी। बैठो। जी तस्मी जी, फिर क्या सोचा? सोचता तो वो है, हम तो सिर्फ वसीला बनते हैं। आज से ये भी इन लड़कियों की तरह मेरी बेटी है। जब तक इसको इसकी दुनिया नहीं मिल जाती, मैं इसे नई दुनिया दिखाऊंगी। तुम्हें देखकर, तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे अपना माजी याद आ गया। वैसे मैं हर एक की मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी मदद इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे तुम में अपना आप नजर आ रहा है। आप बेफिक्र हो जाए आंटी, ये आज से मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा संभाल के रखूंगी। लेकिन वो मून, अगर तुम्हारे आसमान का होगा तो एक दिन जरूर चमकेगा। आ जाओ भाई, ये कहाँ ले आया? डॉन, मेरे बॉस, बल्कि आधे कराची के बॉस, सुल्तान बॉस की सल्तनत। करते क्या है ये? बिजनेस, बिल्डर है। बॉडी बिल्डर नहीं, वो जो बिल्डिंग बनाते हैं ना, वो जितना बड़ा बिजनेस उतने बड़े दुश्मन। लैंड माफिया, कब्जा माफिया। जब तक बॉस कराची में है, कोई भी किसी गरीब का हक नहीं मार सकता, कोई किसी की जायदाद पे कब्जा भी नहीं कर सकता। लेकिन एक बात बता दूं, अगर बॉस के साथ किसी ने गद्दारी की तो बॉस खुद नहीं मारते, अगला खुद मर जाता है बॉस के खौफ से। तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गए? देख, मेरे कजन ने मुझे तेरे बारे में सब बता दिया। अगर तू चाहता है तेरा मसला हल हो तो पूरे कराची में ये वाहिद जगह है जहां तेरा मसला हल हो सकता है। ज्यादा सोच मत, आ जा, बॉस से मिलवा दूं। फॉलो मी। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो मां न बन सके वो सांस ही क्या। मेरे लिए तो खत्म हो चुका है, खत्म। बस सच सच बता दे। ऐसा गद्दार नमक लाने से कहते हैं? आसान मौत अब तेरी
आखिरी ख्वाहिश ही होगी। वाह वाह बॉस, टॉर्चर हो रहा है। बबल, इसको ये बताना है कि जो हमारे साथ गद्दारी करता है उसकी सजा क्या होती है। ज़हनी मौत बॉस, ज़हनी मौत। ओए 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 बॉस, इसको ना ज़हनी मौत देनी है। क्या क्या मौत चाहिए? ना मौत नहीं चाहिए। अरे बॉस कोई ऑप्शन दिखाए बॉस। पेचकस, ओह माय गॉड पेचकस। ओए टाटा नहीं, पेचकस नहीं बॉस। बॉस ये टेढ़ मौत हो जाएगी। कोई अच्छी अच्छी मौत दे ना बॉस। बॉस बताए बॉस। बॉस लेकिन इससे सिर्फ हड्डियां टूटेंगी ना बॉस। इसको मांडा है ना, क्या करें बॉस? कुछ पता बॉस, कुछ करें बॉस। कलमा पढ़ ले। बॉस से तो कौफ से मर गया। ले जाओ। अपने ख्वाब पूरे करने तो जा रहे हैं मां। सच्ची मोन? भूख लगी होगी ना, खाना खा लो। हेलो, जो खुद ही खोया हुआ हो वो किसी को क्या ढूंढ के लाएगा? मून मेरा प्यार है, इसे कैसे ढूंढूंगी मैं अब? सबसे पहले खुद को ढूंढो, अपनी तलाश करो, खुद को तराशो, समझो। जब इंसान चमकता है ना तो सब उसकी तरफ लपकते हैं, खोए हुए भी टपक पड़ते हैं। इमारत जितनी ऊंची होती है उतना ही दूर से नजर आती है, और अगर इमारत की बुनियाद मजबूत हो तो वह हर आंधी तूफान में खड़ी रहती है, ना हिलती है ना गिरती है। खुद से प्यार करोगी ना तो सब तुमसे प्यार करेंगे। बॉस शरीफ लड़का, अपना दामाद बना लूं? वैसे ही बता रहा हूँ बॉस, अच्छे घर का लड़का है। तुम्हें अच्छे घर का लड़का नहीं, मजबूर है, आउट ऑफ सिटी से आया बॉस, परदेसी है। एक और परदेसी शायर इनके बारे में पता नहीं क्या फरमाते हैं। बाबा ये मेरा अड्डा यतीम खाना नहीं। बॉस आपके स्टाइल का फैन है, आप जैसा बनना चाहता है। ईगो
लोग मुझे बहुत पसंद, जो अपनी इज्जत का ख्याल रखते हैं वो मेरी इज्जत का भी ख्याल रखेंगे, जिनमें वो एहसास वही होते हैं खास। यहां से लोग अपनी मर्जी से हैं, जाते नहीं। खबर अपने साथ रख, बस को एनएक्सी में शिफ्ट कर दे। ठीक है बॉस। खाना खा लिया था तुमने? आप भी, मैं बस अब सोने जा रही हूँ। ठीक है, जाओ सो जाओ। आप ही देर हो रही है, अब्बू को बुला लो। हाँ बुला लो, वैसे भी देर हो जाती है, तुम्हारे अब्बा बहुत बड़बड़ करते हैं। अरे सुनो, ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, तो सारे ही रख लो। अच्छा आप ही रहने दे, आज घर नहीं जा रही, वैसे भी यूपीएस भी खराब है। यूपीएस खराब नहीं है, तुम्हारी आदतें खराब हो गई हैं। तुम्हें ना एसी में सोने की आदत हो गई है। चलो ठीक है, सो जाओ यहीं, लेकिन घर पे इन्फॉर्म कर देना। हाँ चलो। बात सुनो जी, वैसे रज के सेल्फिश हो तुम लोग। क्यों आप ही, क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? सामने देखो जरा, तुम्हारी नई बहन आई है, नई साथी आई है, नई दोस्त आई है, और पता भी है कि वो कितनी उदास है, तकलीफ में है, लेकिन तुम लोग जरा सब इसका दिल नहीं बहला रहे। आप फिक्र ना करें, लड़कियों के दिलों के हाल हम जैसी लड़कियों से बेहतर और कौन जान सकता है। चलो हनी चलते हैं, आज जाओ जाओ। जानी 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 जानी, क्या हो गया, क्या हो गया, किधर? वक्त नहीं मेरे पास, अनजान शहर में हनी अकेली है, उसे ढूंढने जा रहा हूँ। साथ मिलकर ढूंढ दे ना। क्यों भाई, तू क्यों ढूंढेगा मेरी हनी को, और क्यों कर रहा है इतनी मेहरबानियां? इंसानियत की खातिर। ओ भाई, हम अलग दुनिया के लोग हैं, ऐसे नहीं है। ये कार्टून फिल्में दिखा के तू मेरे मसले हल करेगा? तू, ये लोग, तुम लोग ढूंढोगे मेरी हनी को? ओ भाई कराची है ये, हल्का आ जा, ना फोटो है ना नंबर है ना पुलिस की मदद, कैसे ढूंढेगा? अगर ख्वारी काटनी है तो जा काट ले, और अगर ना मिले ना तो वापस आ जाइयो, वेलकम पार्टी दूंगा। Mm-hmm.
तुम्हें सोता देख के ऐसा लगा जैसे तुम कभी जागना ही नहीं चाहते। जागती आंखें यहां तो सिर्फ ख्वाब बनते या टूटते देखती हैं, इसलिए दोनों के खौफ से अंधेरा बेहतर लग रहा था। तारीकी तो सबकी जिंदगी में आती है, पर हार तब वो है जो रोशनी देखकर भी फरार ढूंढता है। मेरी माँ कहा करती थी कि जिंदगी कभी कभी किसी चुड़ैल की तरह हो जाती है, यह हमें रोकती है, डराती है, इसके खौफ से हम रुक जाते, कदम भारी हो जाते हैं और जिस्म में से जैसे जान निकल जाती है। लेकिन फैसला फिर भी करना पड़ता है। इस चुड़ैल से हार मान लें या फिर जिंदगी की तरफ दौड़ लगाएं। जिसको जिंदगी की ख्वाहिश ही ना हो तो जिसकी ख्वाहिश है उसी के लिए जीना सीखो, ताकि कल को अगर वो मिल भी जाए तो तुम्हारे साथ जीत हो सके। एक इंसान जो कि खत्म हो चुका हो उसके साथ कोई क्या जिंदगी गुजारेगा। उठो, और जिंदगी से नजरें मिलाओ। जीतने के लिए मुकाबला शर्त है, और बिना लड़े मुकाबला नहीं होता। मैदान चाहे हालात का हो या जज्बात का, लड़ना तो है और जीतना भी है। तू खोकाफ के जंगल में है, मैं जिन हूं, तू पापा की परी है। अबे ओ, मैं पापा लू, पापा लू ये क्या? अबे ओ, वो उसका घर है। ये घर ना बहुत स्पेशल है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्पेशल लोग रहते हैं। मेरे बाद ना तू इधर आया है, हमसे पहले जो यहाँ पे रहे हैं ना सब डेड है। दो टीके लगे तेरे को ताकत के, दो। खाली पेट कोई भी जंग लड़ना ना आम इंसान की बस की बात नहीं। मैं जीतने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं चुन सकता। कल सीधे रास्ते पे गया था ना, क्या उखाड़ लिया है? देख बात समझ, एक बात ना 100% सच है, हर दिन गुजारना होता है, ना रिवाइंड का ऑप्शन है ना फॉरवर्ड का। और अपने जीने की वजह अपनी हनी को भूल जाऊं? क्या करूं मैं? अबे पागल वागल हो गया क्या? अबे जिंदा है ना, सांसें चल रही है ना, सांस ढूंढेंगे। देख बात सुन, बात सुन, बात सुन प्लीज जानी, बात सुन। देख ये जो मरने वाले हालात है ना, इसे एग्जिट हो, लड़ने वाले हालात में ना इंटर हो, समझा? समझ, जिंदगी जो है ना
कोरोना है, मरना नहीं है, लड़ना है। क्या बात की, फुल जेंगो स्टाइल। एक बात गौर से सुन, हारा हुआ इंसान कभी हीरो नहीं बन सकता। तेरी आंखों में नजर आ रहा है कि इस तार के कंडे तेरे दिल में चुभ रहे हैं। पप्पू आप क्या? अस्पताल में देखा था तुझे अरुण के साथ मैंने। वो तो बस ऐसे ही अब्बा का हाल पूछने आया था। हनी को भी देखा था मैंने, वो तो इश्क की रफ्तार में बहुत तेज भाग रही थी, इस डर से नहीं रोका कि अचानक रुकी तो गिर ना जाए। मुझे पता चल गया था कि जब हनी गई थी ना उस घर की बुनियादें हिल गई थी। तूने अब इस रास्ते पे पहला कदम रखा, तेरी रफ्तार तेज हुई ना तो ये बुनियादें संभल नहीं पाएंगी। हाँ जानी, देख लड़की गोरी है, पंजाबी है, खूबसूरत। हाँ हाँ, स्केच बनवाना है। आर्टिस्ट पकड़ के ला कहीं से भी, पक्का? हाँ ठीक है, ओके ओके ओके। बोले भी दे, क्या हुआ? पहेली थोड़ी है कि हिंट दूंगा समझ जाएगा, स्केच बनाना जरूरी है। अलाफिज अलाफिज बिला, ये नए प्रोजेक्ट की फाइल लेके ना शाम घर पे आओ, उसकी ओपनिंग और बुकिंग प्लान के साथ। जी भाई। हाँ ठीक हो ना? ये क्या था भाई? बॉस। बॉसेस भाई, भाई इस बॉस, इस दुनिया के लिए बॉस, उस दुनिया के लिए भाई। कौन सी दुनिया? वो दुनिया जिसमें बॉस अपनी लाडली बहन से प्यार करते हैं, उनकी जान के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। मेरू जी के भाई। मेरू जी उस दुनिया की असल डॉन, अगर उनको पता चल गया कि उनका भाई असल में डॉन है तो आधा कराची हवा में उड़ेगा। हम जमीन पे ढूंढते रहेंगे, वो आसमान पे बातें करती रहेंगी। भाई जी आप परेशान ना होइए, आती होगी मेहरू। आप तोहफे भी तो उसको ऐसे से लेकर देते हैं। लीजिए आ गई। भाई बाबा, थैंक यू सो मच, आई लव योर गिफ्ट। पता है वो भी आपकी तरह स्ट्रांग और सबसे आगे। भाई वो तो बिल्कुल आपकी तरह, आई लव यू सो मच। Thank you, I love you too. जब आपकी स्पीड तेज होती है ना तो भाई जी के दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं। तो कोई बात नहीं, मेरे भाई का दिल उनकी बनाई हुई बिल्डिंग्स की तरह बहुत स्ट्रांग है, और अगर भाई स्ट्रांग है तो भाई की तरह बहन भी स्ट्रांग है। जल्दी से मुझे कुछ खाने के लिए।
बहुत भूख लगी है। जी भाई जी, अब कहां गया आपका गुस्सा? आप तो कह रहे थे कि मेहरू आएगी तो मैं उसे डांटूंगा। गुस्सा तो है, मैं पूछता हूं मेहरू से। ठीक है। शाफ सिखाओ मत मेरे पास। एतबार करती है ना मुझ पे? सारी जिंदगी दे दी तुझे, अब पूछ रहा है? बस बे, तैयार हो जा, हम दोनों अपने घरों से भाग जाएंगे। मून, लेकिन अम्मा अब्बा। देख, इन दोनों घरों को जोड़ने के लिए एक तूफान लाना होगा, और उसी तूफान के बाद इन दोनों घरों को खुशियां भी हम ही देंगे। तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं। शाफ सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। कम खाने से दिल भरता है, पेट नहीं। जब पेट में कुछ नहीं होता तो बंदा चल नहीं सकता। लेकिन दोस्त, आपको तो भागना है, दौड़ना। दवा समझ के खा लो यार। पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। समंदर में उसे कहां ढूंढूंगा? अगर आपकी किस्मत में हुई तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। हमारे प्यार में अगर की गुंजाइश नहीं है तो फिर डर कैसा? फिर तो इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी। लेकिन मेरे दोस्त, ताकत भी जरूरी है, जान भी जरूरी है, खाना भी जरूरी है, थोड़ा सा। कोल्ड ड्रिंक, पानी भिजवाते। सिखाओ मत, मेरे पास ज़र्फ़े खुदा नहीं। मेरे पास सीधा जवाब है, मेरे पास सीधा जवाब है। तू मेरा नहीं, मैं तेरा नहीं। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।